हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गरीब टीवी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक वीवो का एक चार्जिंग एडाप्टर है। तो फ्रेंड्स, इससे मैं एक स्टेप डाउन मॉड्यूल बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं इसे इस पर क्यों ये होल किया हूँ वो भी वीडियो में जान लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये डायोड चाहिए। इसका नंबर है IN4007, ठीक है। और एक इंडिकेशन के लिए एक इंडिकेटर चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर ले लिए है। और पहले क्या करेंगे, हम जितने भी ये डायोड देख रहे हैं, ये सभी डायोड को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं ज्वाइन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सभी डायोड को मैंने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर ली है। तो ये कितने, एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं, ठीक है, ये तो 9 पीस है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये तो छोटा है, अभी तो घुसेगा नहीं, तो इसे हम मोड़ के सिलो टेप, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये वाला येलो वाला सिलो टेप है, इसको यहाँ पे जोड़ के आपको फिर से हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये डायोड को, जितनी भी डायोड थे वो सभी को मैं ब्लैक टेप की मदद से चिपका लिया हूँ। और ये एक कॉम्पैक्ट साइज में आ गया है, अभी यहाँ आसानी से घुस रहा है, देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो हमारे इंडिकेटर था, ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाने के पहले इससे दो वायर हम निकाल लेंगे, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ये इस लेग पे सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से एक हो गया, दूसरी लेग पे भी ऐसी ही सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। उसके लिए हम एक बैटरी लेंगे, देखिए ये वाला बैटरी, तो इसका इस साइड प्लस है, तो यहाँ पे लगा के देखेंगे, इस साइड प्लस है इसका, डायरेक्ट देखिए फ्रेंड्स, इस साइड प्लस है, ठीक है, मतलब ये वाला हमारा प्लस है, देखिए निशान कर लिए प्लस का, देख सकते हैं। तो हम ये बैटरी का काम खत्म हो गया है। अभी क्या करेंगे, एक पीवीसी सीट है, देखिए ये जो है पीवीसी सीट है, इसके ऊपर ये दोनों कनेक्टर को लगा लिया हूँ, और इसके ये दोनों चार लेग है टोटल। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ वायर कनेक्शन करेंगे, और वायर क्या, जितने भी कनेक्शन है, ठीक है, वो सभी करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि सारे कनेक्शन मैंने पूरे कर लिए हैं, देख सकते हो, ये आउटपुट इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला है, ये सीधा ही आउटपुट के माइनस में चला गया है, ठीक है। और ये जो प्लस है, ये डायोड से होकर इस आउट के प्लस में चला गया है। और इंडिकेशन के लिए जो LED पैनल लगाया था, उसकी सेफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लगा लिया है, ठीक है। इतना जितना तामझाम, तो मैं क्या करूँगा, इस LED को भी यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, सभी सेट करने के बाद आप लोगों को फिर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक कुछ ऐसा बन के रेडी हो चुका है, और देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है, छोटा सा, ठीक है, पोर्टेबल है। ये लाल वाला इसका इनपुट है और ग्रीन वाला आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे,
उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट ले लिया हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कनेक्ट करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि मैंने ये जो कनेक्टर है इसको लगा लिया है और दोनों वायर आउटपुट के निकाल लिया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो इंडिकेशन लाइट है ये ग्लो कर रहा है। अभी कितना आउटपुट दे रहा है अभी मल्टीमीटर में चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी इससे 20 में सेट कर दिया, ठीक है। मल्टीमीटर में फोकस करना होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ रहा है दिखा देते हैं, इसको सीधा करते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा जूम करते हैं, देखिए टच करने पर 12.745 दिखा रहा है, 12.46 दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ कितना दिखा रहा है, 6.389 के करीब दिखा रहा है। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया है, ठीक है, मल्टीमीटर से चेक हो गया। अभी हम इस यहाँ से कुछ चला के दिखाते हैं, रुकिए सर। ये जो 5 वोल्ट का एलईडी है इसको चला के देखते हैं, या नहीं यहाँ पे चला गया, प्लस माइनस का पता भी चल गया। देखिए फ्रेंड्स देखिए ग्लो कर रहा है कितना शानदार, 5 वोल्ट का एलईडी, ये तो हो गया एलईडी। अभी क्या करेंगे, अभी इसमें हम बैटरी चार्ज करके देखेंगे। तो ये बैटरी है, ठीक है, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस मैं फिर से भूल गया, लिखना पड़ता है बट मैंने अभी नहीं लिखा है। देखिए ये वाला प्लस है, मतलब ये वाला इस साइड का प्लस है, यहाँ पे कौन सा प्लस है ये देखना पड़ेगा, ये वाला प्लस है। तो प्लस के साथ प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स प्लस के साथ प्लस जोड़ देंगे, और पहले मैं चार्ज करने से पहले दिखा देता हूँ फिर से कि बैटरी में कितने वोल्टेज है। देखिए 3.345 दिखा रहा है, अभी इसे चार्ज करेंगे थोड़ी देर, बस थोड़ी देर के लिए चार्ज करेंगे, ठीक है। चार्ज करने के लिए रह दिया है, मल्टीमीटर चालू है, सब कुछ चालू है, ओके है। देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट साइज है, इसमें 12 वोल्ट जा रहे हैं, देख निकल गया, इसे लगा देते हैं, हो गया। यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे इंडिकेशन चल रहा है, ठीक है। आउट इनपुट है लाल वाला और ये ग्रीन वाला आउटपुट है। तो वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर चार्ज हो गया है बैटरी, इसे खोल के देखते हैं कि कितना हो गया है चार्ज। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का जो प्लस वाला साइड है जो माइनस वाला साइड है, देखिए 3.35 दिखा रहा था तभी, अभी 3.345 हो गया। देखिए कितने जल्दी चार्ज हो रहा है, ये मतलब ये फास्ट चार्जिंग के लिए भी बनाया गया है। तो आप इससे कोई सा भी बैटरी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।